नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक्नोडॉक्टर चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं जो फोल्डर डिलीट नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों फोल्डर है वो डिलीट नहीं हो रहा है। तो अगर ये तरह की आइटम ऑन फाउंड को नॉट फाइंड दिस आइटम, दिस इज नो लॉन्गर लोकेटेड, ये उनका लोकेशन है। वेरीफाई दी आइटम लोकेशन है, ट्राई इट, तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं। वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। ये जो फंक्शन है वो विंडो में पहले से ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट में जाके कमांड प्रोग्राम जो है उसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ कुछ ये जो कोड है जो कोड है वो यूज करेंगे dir स्पेस स्लैश x और इंटर कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ न्यू वीडियोस और ये तीनों फोल्डर का यहाँ नाम आप देख सकते हैं और ये उनका कोड है। वो हम लास्ट कोड यूज करेंगे इन फोल्डर को डिलीट करने के लिए। स्पेस फिर ये दूसरा हमको डालना है NEWSVI-1 इंटर कर दें। फिर यहाँ आके रिफ्रेश कर दें
देख सकते हैं हमारा जो दूसरा फोल्डर है वो भी डिलीट हो चुका है। लास्ट फोल्डर को डिलीट करते हैं, सेम वही प्रोसेस।